हाँ गाइस, तो आज मैं सवेरे नींद से उठा और नींद से उठने के बाद सबसे पहला क्या काम करते हो आप बताना मुझे। और मैं तो पहले पहले मेरा फोन चेक करता हूँ कि हाँ गाइस, मैं पहले अपना व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लेता हूँ। हाँ ये कर लो पहले तो नोटिफिकेशंस वगैरह स्टेटस वगैरह देखता हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने जैसे ही मोबाइल मेरा ओपन किया तो गाइस देखा कि गाइस 5 मिस कॉल डार्क भाई के आए थे। तो मैंने जानने के लिए कोशिश किया कि डार्क भाई के 5 मिस कॉल आने की वजह से मैंने डार्क भाई को फिर से कॉल बैक किया। और जैसे ही मैंने कॉल बैक किया तो डार्क भाई ने बताया कि सोहेल भाई जल्दी ऑनलाइन आओ, पड़ोसी गांव वाले बंदे हमारे गांव वाले बंदे को चैलेंज कर रहे हैं 2v2। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो आ गया मुझे पूरा का पूरा। तो मैं फुल गुस्से में, यानी कि एकदम ही ओपी वाला गेम प्ले दिखाने के लिए एकदम ही रेडी। हाँ गाइस, चलो अब मैं निकल पड़ा गेम में और गेम को कर दिया स्टार्ट। और गेम में स्टार्ट करते बराबर मुझे दिखी डार्क भाई की हमारी रिक्वेस्ट, जो कि कस्टम की। और हाँ गाइस, हमारे गाँव वाले जो पड़ोसी वाले गाँव है वो गाँव के सबसे प्रो बंदे और हमारे गाँव के दो प्रो बंदे, तो ये हम मतलब एकदम ही ऐसा दुश्मनी होती है कि वो प्रो है हम प्रो है, ऐसे होता है। तो मैंने इसी के इनका घमंड तोड़ने के लिए गाइस मैंने गेम फटाक से स्टार्ट किया और मैं जोश जोश में ये भूल गया कि मैं स्काइलर तो लिया ही नहीं। अब चलो जो कस्टम ज्वाइन करते हैं और दिखाते हैं आपको अपोनेंट्स वाले बंदे। तो गाइस ये थे वो जो बंदे जो हमें चैलेंज कर रहे थे, यानी कि हमारे पड़ोसी गांव वाले बंदे। तो ये था पहला बंदे का नाम था मिस डॉल। तो गाइस ये बंदे का बहुत ही ओपी तो अच्छा तो दिख ही रहा था। और गाइस देखो फटाफट से कस्टम हो जाता है स्टार्ट और एकदम ही मैं और डार्क भाई एकदम ही पूरे के पूरे जोश में लगे पड़े थे कि ये वाला हमें किसी तरह से कस्टम तो जीतना है। और पहला राउंड चलो स्टार्ट हो जाता है। और पहले राउंड में देखो गाइस, मैं पहले राउंड में ले लेता हूँ डेजर्ट ईगल और उसके बाद हम ले लेते हैं एकदम ही एक वेस्ट और एक ग्लो वॉल। पहले राउंड में हम देखो गाइस यहाँ पे मैं और डार्क भाई एकदम ही जोश से एकदम ही एक्साइटमेंट में खेल रहे थे। और हाँ गाइस, पूरे के पूरे हमारे गांव के बंदे मेरे पीछे बैठ के बोल रहे थे अब जो कर सकता है तू ही कर सकता है। और सभी का और पूरे हम मेरे गांव की एकदम ही पूरी इज्जत मेरे हाथ में थी और मेरे और डार्क भाई के हाथ में। और हमें कुछ इस तरह से खेलना था कि हम हमारे गांव की इज्जत डाउन ना हो जाए। तो हाँ गाइस, ये वाला बंदा अचानक से मेरे पे रश करता है और रश करने का मुझे कोई आइडिया नहीं रहता। और हाँ गाइस, इसने मुझे स्काइलर से फोड़ा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैंने स्काइलर नहीं लिया तो एक्साइटमेंट में, तो गाइस ये वाले बंदे ने मुझे जो है खत्म कर दिया। और हाँ गाइस, ये बचे थे हमारे डार्क भाई। और डार्क भाई को भी अच्छा खेलना था और डार्क भाई ने भी एकदम ही ओपी खेला, बट गाइस वो थे दो बंदे। तो पहला राउंड जो हमने पूरी तरह से हार गया था गाइस पूरी तरह से। और हमारे बंदे जो एकदम ही नाराज हो गए थे गाइस फर्स्ट राउंड जो हमने जो कि हमने हार गए थे। और हाँ गाइस, अब स्टार्ट होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जो मैंने UMP ले लिया था और UMP अब देखो गाइस दो बंदे उधर की साइड और मैं और डार्क भाई इधर की साइड। और हमने जो ये यहाँ पे एकदम ओपी वाला गेम प्ले खेल रहे थे जोश में। और हाँ गाइस, हम एकदम ही काउंटर अटैक एकदम ही ओपी वाला अग्रेसिव गेम प्ले कर रहे थे। और वो आगे एक मेरे बंदा था और जैसे ही निकला पूरा पूरा रेड नंबर। तो गाइस यहाँ पे तुम्हारे भाई ने इसको एकदम ही ओपी रेड नंबर मार के जो था ना वो हमने क्लियर कर लिया था। और क्लियर जैसे यहाँ पे मुझे दूसरा बंदा पता लगा कि गाइस उसने मुझे पूरी तरह से वन टैप मार के जो मुझे ख़त्म कर दिया। और डार्क भाई जैसे मुझे बचाने आ रहे थे तब तक उस वाले बंदे ने जो है ना मुझे क्लियर कर लिया गाइस। और आप बचा था सिर्फ एक बंदा और हमारी तरफ से बचे थे डार्क भाई। और डार्क भाई ने कुछ जैसे इस तरह से मारा कि उसको पता ही ना कि किस तरह से क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं लगा। और आगे चलो आप, ये था हमने जो पहले राउंड जो हमने जीत लिया था और हमारे सब बंदे एकदम ही खुश हो गए थे कि हमने फर्स्ट राउंड जो निकाल लिया। और आगे ये था हमारा थर्ड राउंड। और डार्क भाई आप तो डार्क भाई ने दोनों मिलकर दो बंदे मिलकर डार्क भाई को जो खत्म कर दिए वहाँ पे। और इस वाले बंदे को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, एक ही गोली का था। हाँ पहले मर ले चला ले। वो वाले पीछे वाले बंदे को तो पूरा एक्साइटमेंट मार ही नहीं रही थी क्योंकि वो तो एकदम ही एग्रेसिव कर रहे थे। और अगर जिस बंदे इस बंदे को रेड नंबर मार खत्म किया वो बंदा आया और वो क्या बात है, ये बंदे को भी एकदम ही ओपी वाला हेडशॉट मार दिया। और गाइस इस वाले हेडशॉट के लिए लाइक तो बनता है। और हाँ गाइस, आपको ऐसी गेम प्ले चाहिए होगी तो जरूर से कमेंट करना। और हाँ गाइस, ये वाला राउंड में देखो गाइस, हम थर्ड राउंड में इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। और गाइस ये वाला बंदा जो है ना भाग गया वो बंदे डार्क भाई तरफ। और यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा था और इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज किया, तब तक कि डार्क भाई ने एक बंदे को जो है ना उधर ख़त्म कर दिया। एक बंदा यहाँ पे था और मुझे थोड़ा सा डैमेज किया, मेरे पास स्काइलर नहीं था तो मैं गुलवार तो नहीं फोड़ पाता। तो हाँ गाइस, मैंने तो यहाँ पे देखो गाइस ये वाला बंदा था और उधर से जो है ना एक साइड से पैक कर रहा था और दूसरे साइड से हमारे डार्क भाई ने जो उसका फ़ायदा उठा के उसे ख़त्म कर दिया। और हाँ गाइस, ये हमने बैक टू बैक 3 राउंड जो हमने जीत लिए थे और हमें इसी तरह से खेलना था गाइस पूरे राउंड। तो हाँ गाइस, ये था हमारा 4th राउंड। 6th 5th राउंड चालू हो गया
और आगे देखो ये वाला बंदा जो मेरा स्काइलर फोड़ रहा था, तो उसी के मैं मेरा गुलवान जैसे फोड़ने की ट्राई किया, तो मैंने उसे रेड नंबर मार दिया और उस पर क्लच किया यानी कि रश किया और एक और उसको गोली मार के उसको जो है ना मैंने नॉक कर दिया। बट गाइस वो पूरे राउंड में एक साथ आ रहे थे दोनों के दोनों बंदे, और इस वाले राउंड में जो है ना गाइस सिर्फ एक ही बंदा मेरे सामने आया और एक बंदा पता नहीं गाइस कहाँ गया था। और मुझे बाद में थोड़ी देर के बाद दिखा कि ये वाला बंदे तो यहाँ पे स्काइलर या ड्रॉप लूट रहा था, बट उससे मैंने एकदम ओपी वाला एक रेड नंबर मारा और उसको जैसे मारा डार्क भाई ने उसे खत्म कर दिया। और गाइस हमने फोर्थ राउंड जीत लिया था और हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गाइस अब हमें इसी तरह से खेलना था कि हमें उसे एक भी राउंड कमबैक तो नहीं होने ही नहीं देना था। और ना गाइस ये वाला राउंड जैसे स्टार्ट होता है मैं थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ यहाँ पे ठहर के, तो जो दोनों बंदे ने एकदम यहाँ में घेर लिया था, एक बंदा इधर की साइड था एक बंदा और वो वाले साइड बंदे ने जो है ना फायदा उठा के जो है मुझे खत्म कर दिया। और मैं देख रहा था इधर वाले बंदे को और ये वाला बंदा हमारे ग्लू वॉल में आया। डार्क भाई ने फुल कोशिश कर रहे थे बचाने की पटका नहीं भाई, यश के तूफान भाई ने जो हमने खत्म कर दिया और 1v2 की सिचुएशन में हमें डार्क भाई जो थे यहाँ पे, और आप उम्मीद थी हमें डार्क भाई से कि आप डार्क भाई हमें यहाँ पे ये ओपी वाला राउंड निकाल के देंगे। और आगे ये वाले बंदा बट गए से गाइस वो दो बंदे थे और डार्क भाई के अकेले, और देखो गाइस वो दो बंदों ने मिलकर डार्क भाई को मार दिया। और आगे जब इस वाले राउंड में जिस बात का हमें डर था यानी कि हमें किसी भी हालत में उन्हें जो है ना कमबैक नहीं करने देना था, और वो वाला बंदा जो राउंड जीत लिए थे। अब यहाँ पे 7th राउंड जो होता है चालू, और वहाँ पे आगे दिखता है बंदा यहाँ पे, वो वाले बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया और डार्क भाई एक गोली मार के खत्म कर दिया। और ये वाला बंदा जो है ना गाइस उसे बचाने जाता है, तब तक मैं वन टैप की पोजीशन ले लेता हूँ, बट गाइस वो नहीं जाता। बाद में उसे पता था यहाँ पे बाहर एक बंदा ठहरा है। और आगे डार्क भाई उधर की साइड जा रहे थे, मैंने वन टैप ट्राई किया और वहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे जो क्लच किया, और देखो गाइस इतने बातों में हमारे डार्क भाई जो है ना यहाँ पे नॉक हो चुके। डार्क भाई को मैं बचाने की ट्राई कर रहा था गाइस, बट एक साइड से खुल गया गुलवाल, बट उधर से आया तो मैंने उधर भी एक गुलवाल लगा लिया था, और एक बार स्पाइनर से फोड़ दिया बंदे ने। तो गाइस और मैंने डार्क भाई को बचाने की फुल एकदम ट्राई कर, डार्क भाई को जो मैंने बचा लिया सेव कर लिया। और हाँ गाइस अब हम दोनों हार, हमारे पास था पूरा का पूरा एडवांटेज, हमें ये वाला राउंड किसी भी हालत में जीतना ही था। तो हाँ गाइस आप देखो गाइस पूरी बहुत ही मेहनत के बाद यानी और मारा उस बंदे ने मुझे, और किस तरह से हम वहाँ से निकल गए और डार्क भाई और मैंने एकदम मेडी फुल कर ली। और हाँ गाइस वो बंदा वहाँ पे था और उसको मैंने एकदम देखो 60 और बहुत सारा डैमेज दिया मुझे, एक ही गोली का था जो मैंने ना उस पर रश कर रहा था, बट मुझे पता था गाइस ये वाला बंदा बैकअप लेके और इधर की साइड से आएगा, तो मुझे पता था तो मैं वहाँ पर जाके पहले से तैयार हुआ। तो उसको वन टैप के मैं फुल एकदम मूड में था और उसको वन टैप ट्राई किया, बट नहीं उसी ने स्कैलर फोड़ जो 128 का हेड मार के जो गाइज उसको मैंने एकदम ओपी वाली नींद में सुला दिया गाइज। और ये वाला राउंड जो है ना हमने फिर से एक ओपी तरीके से जीत गया। और हाँ गाइज ये वाला राउंड में देखना गाइज हमारे डार्क भाई को जो है ना दोनों बंदे ने घेर लिया था, एक बंदा था नीचे की साइड और एक बंदा था डार्क भाई के मुंह पे, और देखो गाइज डार्क भाई को दोनों मिलके एकदम मार दिए। तो मैं उनको घुमाने की तरफ इधर पीछे की साइड आता हूँ, तो गाइज यहाँ पे भी एक बंदा भागते हुए आता है और अब वो वाला बंदा वो जो वो दूसरे बंदे वाले को बुला लेता है कि देखो भाई यहाँ पे ये बंदा। और आगे जिस बात का हमें पूरा डर था यानी कि जो बात हमें होने ही नहीं चाहिए थी वो होगी गाइस ग्लिच। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यहाँ गाइस ग्लिच की वजह से वो बंदा मरा ही नहीं और एक दोनों की साइड और दो बंदे हो गए। अब मैं तो सिर्फ एक और स्कैलर पड़ा और इसने मेरे ओकांग पे जो है ना गाइस दो गोलियां मार के जो है ना ये वाला राउंड उन्होंने जीत लिया था गाइस। और 3-5 को वो नज़दीक आ रहे थे, तो गाइस अब हमें तो जीतने ही देना था और हमें तो जीतना ही था। और ये बंदा तो मेरे फ्रंट ऑफ है, खाली फुर्सत में निकाल इसको पड़ा पाटा सा वन टैप। और गाइस देखो ये वाले बंदे को जो है ना एकदम ओपी वाला वन टैप मार के इसको जो खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला बंदा डबल डोर की साइड से आ ही रहा था और इसको जैसे मैं ग्लू वॉल से पैक कर ले, तो गाइस देखो वो वाले बंदे का क्या शायद इशू था, वो वाला बंदा जो है हिल ही नहीं रहा था और उसको डार्क भाई ने हमारे ओपी वाले बंदे ने मार ही दिया उसको। और हाँ गाइस अब हमें सिर्फ एक ही राउंड इसी तरह से खेल के लास्ट राउंड निकालना था, और लास्ट राउंड में देखना गाइस जब क्या होता है। लास्ट राउंड में जैसे हम आगे जाते वो वाले बंदे बाहर नहीं आते, तो हम उन तरफ जाते। तो हाँ गाइस देखो एक बंदा जो है ना हमारे डार्क भाई की ओर गया था जो ये बंदा, तो इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश की, बट वो वाला बंदा उस तरफ हावी हो रहा था हमारे डार्क भाई तो जा रहा था मैं। तो ये देखो गाइस यहाँ पे से एक बंदा ही क्या निकला गाइस, और ये अचानक से मेरे पास आके टीम अप कर रहा था। और गाइस मेरे पीछे जो बैठे थे मेरे फ्रेंड्स उसने बोला नहीं करना टीम अप, और इसको कर दिया हमने खत्म। और इतने सारे चैलेंज अगर इन्होंने हमें चैलेंज किया तो गाइस एक ही लॉल तो बनता है, तो गाइस इनको एक लॉल मारा। और चलो आप देखिए वो डार्क भाई के वाले पास का जो बंदा है गाइस डार्क भाई को जो मार रहा था,
वो वाले बंदे को देखते गाइस, वो वाला बंदा तो एकदम ही ओपी चढ़ रहा था उनका ओनियन, और दोस्तों उसमें मैंने फायदा उठा के डार्क भाई का जो दिल चोरी कर लिया था गाइस। ये था हमारी आज की वीडियो, होप करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इनका कमेंट जो हमने तोड़ दिया। तो ऐसे एक्साइटिंग अगर कम गेम प्ले आपको चाहिए होगी तो गाइस कमेंट्स में जरूर से बताना, और ये वाला वीडियो शेयर जरूर से करना अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ चाहिए आप शेयर कर सकते हो गाइस। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, होप करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी ने एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।